उत्तर प्रदेश सरकार खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के लाख दावे कर रही है, पर खनन माफियाओं पर लगाम लगाना तो दूर, सरकारी कर्मचारी भी अब इन माफियाओं से सुरक्षित नहीं है। बालू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध बालू के परिवहन को रोकने गई वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया। यही नहीं, खौफ फैलाने के लिए जमकर फायरिंग भी की, वन विभाग की गाड़ी पर भी हमला कर तोड़फोड़ कर दी और वन कर्मियों के साथ लूटपाट भी की। घटना को अंजाम देकर सभी माफिया मौके से फरार हो गए। वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। लोहरगांव वन विभाग के मैन रूटीन गश्त पे थे, जिसमें अवधेश प्रताप सिंह बुंदेला डिप्टी रेंजर, श्री हिंचूलाल बंदरोगा और मुश्ताक बीट प्रभारी, ये तीन हमारे कर्मचारी थे और अपने अन्य सहयोगी जो उनके खास थे उनके साथ अपने गश्त पे थे। तो देखा कि 10 बजे रात में जो है वहाँ से सिद्ध बाबा का एक स्थान है, वहाँ से दो ट्रैक्टर बालू लेके नदी से ला रहे थे। नदी की बालू हमारे जंगल के रास्ते से ला रहे थे, तो चूँकि भीहड़ है तो वहाँ हमारा कर्मचारी जो टीम थी कुछ आगे पीछे चल रहे थे, 10 कदम आगे था ये मुश्ताक और हमारी टीम पीछे थी। इसकी मोबाइल की रोशनी दिख रही थी रात में, जिसके सहारे ये लोग उसके पास पहुँच गए। चूँकि भीहड़ था तो अंधेरी रात में दिखता तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये अपराधी तो सातर किस्म के होते, छिपे होते हैं, तो उन्होंने इसको पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था, हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी, स्टाफ अपनी जान बचा के भाग लिया जैसा कि अमूमन होता है। तो स्टाफ ने हालांकि घेरने की कोशिश की लेकिन घेर नहीं पाए, संख्या अवल इनकी ज़्यादा थी, तो इन्होंने हमारी गाड़ी को भी क्रश कर दिया। हमारे कर्मचारी को इतना पीटा लाठी डंडे से कि उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया है, ऐसा संभव है कि जो जेब में 1750 रुपया पड़ा था इमरजेंसी के लिए वो भी ले गया। इस घटना के संबंध में जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो भी दोषी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस की टीम जो है वो लगातार दबिश दी रही है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या मामला है ये वन विभाग के द्वारा ये सूचना दी गई थी थाने पे कि उनकी टीम गई थी अपने क्षेत्र में, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है बालू ले जा रहे थे, उसी में विवाद हुआ, उसी संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। कितने लोग घायल हुए? अब इन जो भी घायल हैं उनका मेडिकल कराया जा रहा है और उसके आधार पे कार्रवाई की। महोबा से इनसाइट न्यूज़ के लिए अब्दुल नादिर की रिपोर्ट।